नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हूं कपिल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं इंजीनियर बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किसी भी पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बना सकते हैं, यानी कि कैसे भी किसी पेन ड्राइव को आप सीडी जैसे बूटेबल बना सकते हैं और उसे आराम से कैरी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम सीडी से अपने सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं तो एक बार दो बार तीन बार यूज़ करने के बाद में सीडी करप्ट होने लगती है, लेकिन पेन ड्राइव के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो कभी करप्ट नहीं होती है। और दूसरी बात कि उसको लाने ले जाने में यानी कि वो कैरी करने में बहुत ही इजी होता है कि आप पेन ड्राइव को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं और सीडी को ऐसा नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात सबसे ये आती है कि अगर हम किसी सिस्टम को फॉर्मेट करने जा रहे हैं और उसका सीडी राइटर ही अगर ख़राब है तो अब फिर आप उसे फॉर्मेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं, यानी कि पेन ड्राइव में हम ओएस को अपलोड करते हैं और इसी से हम अपने सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही बात करने वाला हूँ और ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप किस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे, यानी कि आप सीडी से किसी भी सॉफ्टवेयर कैसे लेकर उसको पेन ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे, और पेन ड्राइव को ना कि केवल यूज़ के लिए, मतलब नॉर्मल यूज़ डाटा ट्रांसफ़र की जगह पे उसको आप बूटेबल बना दीजिए, जिससे कि हम अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर सकें किसी भी साइज़ पे, किसी भी कंडीशन पे, यानी कि अगर आप उसे कोल्ड बूट करना चाहें या वार्म बूट, आप दोनों ही इससे कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं हम बूटेबल पीडी। तो इस दोस्तों इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है रफ़स, तो इसका मैंने सबसे एडवांस वर्जन डाउनलोड कर लिया, इसको मैं इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये बूटेबल बनाने में हमारी हेल्प करता है। दोस्तों ये हमारा रफ़स सॉफ्टवेयर हमारा अभी ओपन हो चुका है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, लगभग 900 MB, सॉरी सॉरी 900 KB के करीब में है, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों जब आप रफ़स को ओपन करेंगे तो इस तरीके का आपको बॉक्स ओपन होके आएगा और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिवाइस पार्टीशन स्कीम और फाइल सिस्टम, ठीक है, और क्लैशर साइज, यानी कि जो भी आपका वेस्ट साइज होगा वो यहाँ पे लिख के आएगा। और ये होता है, यहाँ पे होता है हमारी जो पेन ड्राइव है उसका नाम हम यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर कहाँ से इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए फ्री ये यहाँ पे हम फेस बनाते हैं कि हमें अपनी पेन ड्राइव में कितने फेस चाहिए, यानी कि एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए या चार चाहिए, तो हमें फ़िलहाल एक ही फेस चाहिए। दोस्तों अगर आप बना रहे हैं तो उसको एक से ज़्यादा बनाइए, यानी कि दो फेस में बना लीजिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप उस पेन ड्राइव को जिससे हमने बूटेबल पेन ड्राइव बना ली तो उसको बाद में हम डाटा ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो आपकी 16 GB या 32 GB या इससे ऊपर है तो आप उसमें जो है दो फेस मिनिमम बना लीजिएगा, और अगर आपकी उससे कम है यानी कि जैसे 8 GB है, 4 GB है, तो इनको आप एक ही फेस में रखिए, जैसे कि मैं इसे अभी एक ही फेस पर रख रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से हम उस बूटेबल फाइल यानी कि जो ISO फाइल है उसको सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों उसको आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी OS की, जैसे आप 7 यूज़ करना चाहें या 8, 8.1 और 10, आप जो भी यूज़ करना चाहें उसके आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए ISO फाइल, और अगर नहीं करना चाहते तो उसे पावर डायरेक्टर के थ्रू, सॉरी हाँ पावर डायरेक्टर के थ्रू आप उसको एक ISO फाइल, ISO इमेज उसकी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि मैंने पहले से ही उसकी एक, ये Windows 7 का है, इसको मैंने पहले से ही कन्वर्ट कर रखा है। तो ये कन्वर्ट कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में मैं बस यही बताने वाला हूँ कि पेन ड्राइव को हम बूटेबल कैसे बनाएंगे किसी इमेज से। तो यहाँ पर देखिए आपको एक इमेज ड्राइव का दिख रहा होगा आइकन, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने दो और इमेज बना रखे हैं जिसमें कि 8.1 का भी है और 7 का भी है, तो अभी हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, क्योंकि डेस्कटॉप पे मैंने पहले से ही उस फाइल को डाल रखा है। देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, इसका साइज़ भी यहाँ पे दे रहा है 3.74 GB की ये है, ये Windows 7 है की इमेज है। तो इसको अब हम यहाँ से ओपन कर देंगे कि ये एक ISO फाइल है, मतलब ISO इमेज है, तो ये पहले आपको क्रिएट करनी पड़ती है। इसे क्रिएट कैसे करना ये मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगा। तो अब इसको हम ओपन करेंगे यहाँ से, इसको जब हमने ओपन कर लिया अब हम अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट कर देंगे, बिल्कुल फ्री पेन ड्राइव होनी चाहिए। देखिए जैसे हमने पेन ड्राइव लगाई, पेन ड्राइव का साइज़ देखिए, ये हमारा जो है साइज़ है, ये पेन ड्राइव जो है वो सीडी रोम से उसने डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने इसकी ये टोटल यहाँ पे पेन ड्राइव का जो साइज़ है वो यहाँ पर टोटल दे रहा है, ठीक है। अब आपको करना सिर्फ इतना, और इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है।
देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये वार्निंग है, ऑल डाटा डिवाइस सीडी रोम यानी कि जो हमारी सी पेन ड्राइव में लगाई है उसका डाटा जो है सब कुछ डिलीट हो जाएगा, बस हमें ओके करना है। मतलब वो पहले फॉर्मेट करेगा, उसके बाद में आपका जो बूट फाइल है वो लोड कर देगा। दोस्तों जब जब भी हम अपनी पेन ड्राइव को लगाते हैं बूटेबल बनाने के लिए, तो वो हमारी FAT32 या 64 में होती है, लेकिन जब हम सिस्टम जो भी हमारी बूट जो फाइलें जो होती हैं वो हमारी NTFS को सपोर्ट करती हैं। देखिए यहाँ पे आपको NTFS दिख रहा होगा, तो जैसे ही हमने इसे स्टार्ट किया, ठीक है, तो रफस ने ऑटोमेटिकली उसको NTFS फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे अभी ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कॉपिंग ISO फाइल्स, ये कॉपी कर रहा है फाइल्स को। ये थोड़ा टाइम लेता है, अब इसे वेट कर लीजिए, 5 मिनट ले सकता है या हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो अब देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे स्टार्ट लिख के आ रहा है, तो अभी हम इसको क्लोज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कि इसकी फाइल्स कैसे उसमें सेटअप में गई हैं। देखिए यहाँ पे हम आते हैं और देखिए ये हमारी जो पेन ड्राइव थी इसको आप ओपन करके देख लीजिए, तो देखिए ये हमारी जो है बूटेबल अब हो चुकी है। तो ये जो सेटअप का यहाँ पे जो आ रहा है इसको अब हम क्लोज़ कर देंगे। अगर आप दोबारा इसे कर देंगे तो भी ये फिर से वही फाइल्स जो है लोड करने लगे, लेकिन इसको अब हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी सारी फाइल्स आ चुकी हैं और ये हमारी पेन ड्राइव अब बूटेबल बन चुकी है। इस तरीके से आप भी अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।